अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाइस्ता कवल, आई एम फ्रॉम ई कॉम्स ऑन बिजनेस सेंटर। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग। ये हमारी AGS की सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसका लेक्चर 1 है, जिसमें हम लोग इसको इन जनरल डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको रीजन वाइज बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग किसी भी अगर रीजन की बात करें तो वहाँ पर किस तरह से वर्क करती है। हमारे ना बहुत से सेलर्स हैं, ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अमेज़ॉन पर ग्लोबल सेलिंग करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग कंफ्यूज हैं कि वो इसको स्टार्ट किस तरह से करें। लाइक उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उनको पता नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है हमें, या फिर हम टैक्स को, कस्टम चार्जेस को, लैंग्वेज बैरियर को, पेमेंट को, इन सारी प्रॉब्लम्स को किस तरह से डील करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते, तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग होता क्या है और हम इसको किस तरह से आगे ले कर चलते हैं। फर्स्ट अगर बात की जाए कि अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग होता क्या है, अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो सेलर को अलाउ करता है कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठ के अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप एक कंट्री में बैठे हैं, आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, या फिर आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस दे रहे हैं, आपके क्लाइंट का अकाउंट है जो किसी एक स्पेसिफिक मार्केट प्लेस में है, अब वो किसी भी और कंट्री में अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग के थ्रू अपना अकाउंट बना के डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं। अगर अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग के प्रोसेस की बात करें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है पिक योर मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस चूज़ करते हुए आपको ये बात माइंड में ज़रूर रखनी है कि आपकी मार्केट रीच क्या है, आपकी ऑडियंस किस तरह की है। उसके बाद आप अपने अकाउंट की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस स्पेसिफिक मार्केट प्लेस में। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, आपका अकाउंट बन जाता है, तो तब आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, इन्वेंट्री को सेट करते हैं और चूज़ करते हैं कि आप FBA करेंगे कि FBM करेंगे। और आपकी जो कस्टमर सर्विस होती है वो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड करनी होती है। अगर टैक्स एप्लीकेबल है तो टैक्स भी पे करना पड़ता है, और इसके अलावा आपको उस कंट्री की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सबको फॉलो करना होता है। फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है पिक योर मार्केट प्लेस। हमें मार्केट प्लेस चूज करते हुए कुछ फैक्टर्स हैं जो माइंड में रखने चाहिए। वैसे अमेज़ॉन ने मार्केट प्लेसेस को रीजन वाइज डिवाइड किया है, जिसको हम फर्दर सीरीज में बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें माइंड में रखने चाहिए, उसमें फर्स्ट आ जाता है मार्केट डिमांड। हमें देखना पड़ता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उस मार्केट प्लेस में सेल हो रही है कि नहीं हो रही। अगर सेल हो रही है तो उसकी डिमांड कितनी है, उसका कंपटीशन लेवल क्या है, क्या वो स्टैंड आउट करती भी है कि नहीं करती। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज होती हैं जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज ही रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, या तो हम उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है वो प्रोवाइड करके हम उनको सेल आउट कर सकते हैं, या फिर हम उनको सेल आउट कर ही नहीं सकते। तो किसी भी मार्केट प्लेस को चूज़ करते हुए आपको ये बात ज़रूर माइंड में रखनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है क्या वो उस मार्केट प्लेस में सेल हो रही है। मार्केट प्लेस चूज़ करते हुए आपको उस कंट्री के जितनी भी पॉलिसीज हैं अमेज़ॉन की तरफ से, जो भी लॉज हैं, वहाँ पर टैक्स क्या क्या है, वहाँ के लॉज, ये सब माइंड में रखने होते हैं। इसके अलावा हमें फुलफिलमेंट ऑप्शन स्पेसिफिक कंट्री का भी देखना होता है। जो फुलफिलमेंट ऑप्शन होते हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। अगर हम पैन यूरोपियन की बात करें, यूरोप में जो फुलफिलमेंट ऑप्शन है वो दूसरे कंट्रीज़ के नस्बत ज़्यादा होते हैं, तो हमें देखना होता है कि वहाँ हमारे पास फुलफिलमेंट के कौन कौन से ऑप्शन हैं और हम लोग कौन कौन से प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे लिए कन्वीनियंट है। और हमें लैंग्वेज और कल्चर को ज़रूर माइंड में रखना चाहिए। लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हमें देखना होता है, क्योंकि अमेज़ॉन पर जो भी हम सर्विस देते हैं, कस्टमर सर्विस, वो हमें लोकल लैंग्वेज में देनी होती है, तो हमें ये बात ज़रूर माइंड में रखनी चाहिए कि हम लोकल जो सर्विस देंगे वो हम किस तरह से देंगे। अगर हम FBA कर रहे हैं तब तो हम अमेज़ॉन के थ्रू कर देंगे, अब तब हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अमेज़ॉन उस चीज़ को हैंडल करेगा। लेकिन अगर हम FBM कर रहे हैं तो हम इसको किस तरह से देखेंगे, तो ये सारे फैक्टर्स आपको मार्केट प्लेस चूज़ करते हुए माइंड में ज़रूर रखने चाहिए। अब आपने मार्केट प्लेस चूज़ कर ली, अब आपको पता है आप किस स्पेसिफिक कंट्री में AGS करने जा रहे हैं, तो उस स्पेसिफिक कंट्री में अब आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। रजिस्ट्रेशन में आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है उसमें आपकी बिजनेस इन्फॉर्मेशन होती है,
अगर आपकी कंपनी रजिस्टर है तो तब तो आप सिलेक्ट करते हैं प्राइवेट ऑन बिजनेस, लेकिन अगर रजिस्टर नहीं है तो तब आप सिलेक्ट करेंगे नो आई एम इंडिविजुअल, और उसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी होती है, लाइक आपका नेम होता है, ईमेल एड्रेस होता है, आपका बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस, फ़ोन नंबर और प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल भी। प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल के लिए आप उसकी आईडी, लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको सैलरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो तब आप सैलर की सारी, जो ऑनर होगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आपको वो क्रेडिट कार्ड देना होता है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, और उस स्पेसिफिक कंट्री में जहाँ आप एजीएस कर रहे हैं और वहाँ पर अगर मंथली चार्जेस एप्लीकेबल हैं तो वो आपके ऑफकोर्स डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपकी स्टोर इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आपका ब्रांड रजिस्टर है अमेजोन पर तो तब आपको उसकी रजिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और हमारे पास यहाँ पर तो ये भी ऑप्शन होता है कि हम जीत यानी एग्जामेशन की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप स्टोर इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं ना तो तब हमारे पास एक टेम्पलेट का ऑप्शन भी आता है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं जो बाद में आपके पेज पर विजिबल होगा। और आपको IEC इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड होता है ये भी देना पड़ता है, AET कोड भी देना पड़ता है, ये होता है ऑथोराइज डीलर कोड, ये आपको किसी भी बैंक से मिल जाता है जो बैंक यहाँ पर अगर नहीं है तो तब आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती। जब हम AGS के लिए अमेजोन पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक बात हमें माइंड में रखनी चाहिए कि आपको हर कंट्री के लिए एक अलग अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर आप एक कंट्री में सेलिंग कर रहे हैं AGS के थ्रू, आप अपनी सेलिंग को एक्सपेंड कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक मार्केट प्लेस में, तो आपको स्पेसिफिक मार्केट प्लेस में न्यू अकाउंट बनाना पड़ता है। लेकिन दो रीजन ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा नहीं होता क्योंकि वो यूनिफाइड अकाउंट का हिस्सा है, वो है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। लाइक यूरोप के किसी एक कंट्री में आप सेलिंग कर रहे हैं और आप दूसरे कंट्रीज़ में करना चाहते हैं तो आप उनको यूनिफाइड अकाउंट का हिस्सा बना लें, आपको अलग से अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। उसके लिए आप अपने ग्लोबल अकाउंट के पेज पर जाएं, आप अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन एंटर करें, फिर आप सेलेक्ट करें कि किस स्पेसिफिक मार्केट प्लेस को आप ऐड करना चाहते हैं। और जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेंगे, मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको उस स्पेसिफिक मार्केट प्लेस में सेलिंग करने की परमिशन मिल जाएगी, आपको एक्सेस मिल जाएगी, आप सेलिंग कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होता है क्रिएट योर प्रोडक्ट लिस्टिंग। अमेजोन पर जब हम ग्लोबल सेलिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पर लिस्टिंग के लिए कुछ टूल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं। उसमें अगर हम पहली बात करें तो वो होता है बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग टूल। ये एक ऐसा टूल होता है जिसमें आपको सबसे पहले एक मार्केट प्लेस को सोर्स मार्केट प्लेस और दूसरे को आपको सेकेंडरी मतलब टारगेट मार्केट प्लेस बनाना पड़ता है। उसमें अगर आप सोर्स मार्केट प्लेस में कोई चेंजिंग करते हैं तो टारगेट में ऑटोमेटिकली हो जाती है, मतलब आपकी लैंग्वेज को भी ऑटोमेटिकली उस लोकल लैंग्वेज वर्जन में कन्वर्ट कर देता है। आपकी जो प्रोडक्ट की ऑफर्स होती हैं डिफरेंट मार्केट प्लेस में, ये उनको भी मैनेज करता है। अगर आप होम SKU में कुछ चेंजिंग करते हैं तो ये टारगेट में हो जाती है, और आप ये सारी एडिटिंग बल्क में भी कर सकते हैं। सेलर सेंट्रल लैंग्वेज स्विचर टूल जो होता है, ये आपकी किसी भी डैशबोर्ड पर अगर आप पूरे डैशबोर्ड को स्पेसिफिक लैंग्वेज में ये कन्वर्ट कर लेगा। एक्सपेंड ऑफर इंटरनेशनल टूल जो होते हैं, इसका ये फ़ायदा होता है कि ये अगर मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही प्राइस के साथ डिफरेंट मार्केट प्लेस में सेल करें। हो सकता है कि आप एक कंट्री में उसको और प्राइस के साथ सेल कर रहे हैं, किसी और कंट्री में आप उस प्राइस को चेंज करना चाहते हैं। तो ये जो टूल होता है ये ना डिफरेंट मार्केट प्लेस में आपकी प्राइस को कंट्रोल करता है, और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर हम बात करें जो ऑनलाइन ट्रांसलेटर होते हैं, ये सारे हमें इतनी सफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोवाइड नहीं करते होते, तो इसके लिए हमारे पास ये सोल्यूशन है कि हम एक थर्ड पार्टी ट्रांसलेशन सर्विस भी ले सकते हैं। हम FBA के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, FBA में अमेजोन सब कुछ खुद मैनेज करेगा, और हम अमेजोन का ही एक ट्रांसलेट टूल है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फुलफिलमेंट। उसमें हमारे पास FBA, FBM, इन जनरल हमारे पास ये दो ऑप्शन होते हैं, लेकिन सिर्फ ये दो नहीं होते, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, और हमारे पास और काफ़ी ऑप्शन होते हैं जिनको हम नेक्स्ट सीरीज़ में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम जनरल बात करें तो FBA में जिस तरह ये होते हैं कि हम अपनी खुद वेयर हाउस में इन्वेंट्री सेंड करते हैं, या फिर हम कोई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक से भी करवा सकते हैं, और इसके फ़ायदे ये होते हैं कि आपकी शिपिंग कॉस्ट कम होती है, आपको प्राइम का बैच मिल जाता है, और जो कस्टमर सपोर्ट और उसके रिटर्न होते हैं वो अमेजोन लोकल लैंग्वेज में खुद डील कर रहा होता है,
अमेजोन उनको कस्टमर्स को एक लोकल रिटर्न एड्रेस भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे चैलेंजेस जो होते हैं ये आपको नहीं देखने पड़ते हैं, अमेजोन को करने पड़ते हैं। डी तो FBA के ऑफकोर्स बहुत फ़ायदे होते हैं अमेजोन ग्लोबल सेलिंग में। इसके बाद नेक्स्ट अगर FBM की बात करें तो इसमें आपको शिपिंग सॉल्यूशन खुद प्रोवाइड करना होता है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप, अगर आपके इतने रिसोर्सेज हैं और आप ब्रॉड लेवल पे कोई बिजनेस कर रहे हैं तो तब आप खुद भी कस्टमर तक अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना ऑर्डर को डिलीवर कर सकते हैं, या फिर आप अमेजोन का जो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क है वहाँ पर डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट जो लॉजिस्टिक कंपनीज होती हैं उनकी प्रोफाइल बनी हुई है, आप उनकी रेटिंग रिव्यू से चेक कर सकते हैं कि वो ऑथेंटिक हैं या फिर किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनसे भी अपनी सर्विस ले सकते हैं। और वो सर्विस सिर्फ आप FBM में नहीं, आप FBA में भी ले सकते हैं। आप डिफरेंट कंट्रीज़ में अमेजोन के वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री सेंड करना चाहते हैं तो आप उन कंपनीज़ को हायर कर लें, वो जिस भी कंट्री में आप, मतलब जिस कंट्री से ले के जानी है वहाँ से एंड तक वो सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और FBM में वो आपके कंट्री से, सोर्स कंट्री से डेस्टिनेशन तक या फिर कस्टमर तक वो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहीं हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और जो कस्टमर सर्विस होती है FBM में वो हमें खुद डील करनी पड़ती है, उनकी ऑफिशियल जो भी लोकल लैंग्वेज होती है उसी में हमें कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, हमें रिटर्न एड्रेस भी उनको प्रोवाइड करना होता है। तो FBM हमारे लिए अमेजोन ग्लोबल सेलिंग में थोड़ा चैलेंज होता है। अब अमेजोन ग्लोबल सेलिंग में जो रिटर्न्स होते हैं कस्टमर की तरफ से, हम उनको किस तरह से डील कर सकते हैं, क्योंकि हम तो एक कंट्री में हैं। अब डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में, डिफरेंट कंट्रीज़ में रिटर्न्स को डील करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके के लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उनको फुल रिफंड ऑफर कर दें या फिर आप उनको एक लोकल रिटर्न एड्रेस प्रोवाइड करें। इन केस के आपके पास कोई भी रिटर्न एड्रेस नहीं है तो आप इंटरनेशनल रिटर्न्स प्रोवाइडर की सर्विस भी ले सकते हैं या फिर आप उनको एक प्रीपेड रिटर्न लेबल प्रोवाइड करें। अब इसके बाद नेक्स्ट है, हमारे पास जो इंटरनेशनल डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो भी हमारे फिक्स नहीं होते, वो हमारे डिपेंड करते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं वो वेरी करते रहते हैं। एक हमारी मेन चीज़ होती है पैकेज की डायमेंशन और उसका वेट कितना है, हमारा डिलीवरी टाइम कितना है और हमारी सोर्स और डेस्टिनेशन किस कंट्री से किस कंट्री में जा रही है। ऑफकोर्स ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और इसके अलावा स्पेसिफिक कंट्री में कस्टम ड्यूटीज़ या फिर उसमें टैक्स कितना है। इसके बाद हम लोग बात करें कि हमारे पास जो पेमेंट होती है वो ग्लोबल सेलिंग में हमें किस तरह से मिलती है। इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उस स्पेसिफिक मार्केट प्लेस में अपना अकाउंट बना लें, बैंक अकाउंट, या फिर ये हो सकता है कि हम उस अमेजोन करेंसी कन्वर्टर यूज़ कर लें। अगर हम उसको भी यूज़ नहीं करना चाहते तो हम थर्ड पार्टी करेंसी कन्वर्जन सर्विस भी ले सकते हैं। अगर अमेजोन ग्लोबल सेलिंग के बेनिफिट्स की बात की जाए तो हमारे पास ये होता है कि आपकी जो कस्टमर बेस होती है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी जो रीच होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। FBA एडवांटेज से आपको ये होता है कि आपके प्रोडक्ट पर प्राइम का बैच मिल जाता है। और हम जब एक प्रोडक्ट को डिफरेंट कंट्रीज़ में सेल कर रहे होते हैं तो कल्चरल डिफरेंस की वजह से हमारे पास चांसेस होते हैं कि उन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की सेल बहुत ज़्यादा हो सकती है। और आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज डिफरेंट हैं तो आप डिफरेंट करेंसीज़ में अर्न कर रहे होते हैं और आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग के बारे में भी इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास इतने ऑनलाइन टूल्स हैं, हम उनको यूज़ करके अपनी लिस्टिंग को डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक का था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट रही होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।